सो गाइज हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक आरजीएक्स। गाइज आप लोगों को मेरा नाम पता ही है, मेरा नाम है रजत और टेक आरजीएक्स से मेरा नाम है चैनल का नाम, ठीक है। तो प्लीज़ आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, क्यों मैं आपको बताने वाला अब। गाइज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे जो बेसिक टॉपिक है वो है गेमिंग थंबनेल के बारे में। बट गेमिंग थंबनेल मैंने बहुत सारे गेमर्स का बनाया हुआ है, जैसे कि टेक्नो गेमर्स, गेमर फ्लिट, कई सारे थंबनेल बनाए। बट आज जो स्पेशल थंबनेल बनाने वाला हो ना, वो एक्चुअली आपको AI या तो फिर आप लोग सोचते हो जैसे कि कोई सा इमेज जनरेट करना है, वहाँ से आपको लेकर आपको इमेज कैसे ऐड करना है, तो वो आपको दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ 5 से 6 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ आप लोग को ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान देना है, शायद आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों का हेल्प मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कैनवा ऐप में जाना है और जितने भी नए जन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए जन आप लोग को पता चलेगा थंबनेल कैसा बनाया जाता है इस वीडियो में, प्लीज़, ठीक है। सर्च बार में जाना है कैनवा ऐप में, यहाँ पे आपको लिखना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। YouTube थंबनेल में जाना है आपको, जैसे ही आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग आपको राइट रहेगा तो यहाँ पे ब्लैंक पेज दिखाई देगा गाइज, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। बट मैं आपको ब्लैंक पेज पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे थंबनेल के बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाई दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी गेमिंग दिया हुआ है तो यहाँ पे गेमिंग में लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको चेंज कर रहे हो तो आप लोग चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको थंबनेल यहाँ पे ये लेना है तो यहाँ पे आप लोग इसको भी हटा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, इसका टेक्स्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे ये करना है मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थंबनेल लेने वाला हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मेरे को यहाँ पे लेना है, देखो यहाँ पे कोई सा गेमिंग का ट्रिक लेना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे कोई सा गेम खेल रहा हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कोई सा मैं गेम खेल रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो हॉरर थंबनेल तो मैंने बताया हुआ है तो मैं इसके ऊपर नहीं बताऊँगा, मैं आपको कोई सा और थंबनेल बता दूँगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रैनी का बताता हूँ, चलो ठीक है। तो ग्रैनी का चैप्टर 2 का मेरे को थंबनेल यहाँ पे चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्स में जाऊँगा, नीचे आपको दिया रहेगा जनरेट योर ओन AI इमेज जनरेटर, ठीक है, ऐसे दिया है ना। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लिखना है मुझे ओ ग्रैनी ए ग्रैंड मा इन हाउस विथ हॉरर फेस, ऐसा लिखना है, शायद आपका इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाए। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको इमेज यहाँ पे जनरेट करके आप लोग थंबनेल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना गाइस, कोई भी यहाँ पे आप लोग प्लीज़ मिसकंडक्शन मत करना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको फिर से थंबनेल बना के दे दूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ग्रैनी ग्रैंडमा ये सब दिया हुआ है इमेज, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ, बट यहाँ पे इनका हॉरर फेस तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग दूसरा भी ले सकते हो, ए ग्रैंडमा विथ हॉरर लुक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आपको सर्च कैसा करना है मैं बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे वो चीज़ लेना है, ऐड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिया हुआ है, इस इमेज को भी ले सकते हो, ठीक है। इस इमेज को मैंने यहाँ पे ले लिया, इस इमेज को मैंने यहाँ पे कंडक्ट कर दिया, ठीक है। अब गाइस इसको इमेज को हमको कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला मैं यहाँ पे एडिट इमेज में जाऊँगा, इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगा। अब इसको मेरे को हॉरर लुक देना है, राइट। जैसे कि ये भी लुक है, देखो यहाँ पे इसको हटा के मैं इसको ले लेता हूँ, राइट। देखो यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, राइट। इसका एडिट इमेज में जाऊँगा, इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हो जा, शायद नेट स्लो है गाइस, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसको इमेज को हॉरर कैसे बनाना, अब मज़ा आएगा देखना, ठीक है। ये इमेज सिंपल से आपको लग रहा होगा शायद, अब मैं इसको हॉरर कैसे बनाता हूँ ना आप लोग देखना थोड़ा, ठीक है, मज़ा आने वाला है गाइस। तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पर लिखना है, अरे यार इसको आप देखना हॉरर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर लिखना है एलिमेंट्स में जाके हॉरर स्मोक, सॉरी ब्लैक स्मोक लिखना है, ठीक है। मैंने ब्लैक स्मोक यहाँ पर लिख दिया, स्मोकर नहीं लिखना है यार, ब्लैक स्मोक लिखना है, ठीक है।
ब्लैक स्मोक लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। अब मैं ना इसको है ना थोड़ा एकदम ट्रल टाइप में लगा दूँगा, देखना ब्लैकिश ब्लैकिश कर दूँगा नीचे। ये ना इसको थोड़ा ब्लैकी ब्लैकी टाइप में करना है स्किन को, ठीक है, इस तरीके से ब्लैकी ब्लैकी टाइप करना है स्किन को। स्किन नीचे का ब्लैक हो जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको भी नीचे ले लेना है। ये ब्लैक स्मोक नीचे हो गया। अब गाइस इसके नीचे को है ना फुल स्मोक भी देना है, ऊपर देना है, इसके चेहरे पर देना है, राइट। ये ना ये इसके चेहरे पर आ जाएगा, तो इसको है ना थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम कर देना है, राइट। सेम स्पॉट यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, इसके यहाँ पे आ जाएगा। सेम स्पॉट इसको यहाँ पे करना है, इसके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसको अच्छे से मैनेज करना है, सेम स्पॉट इसके इधर आ जाएगा, राइट। इसको है ना अपने को अच्छे से मैनेज करना है, डुप्लीकेट करना है। इफेक्ट है ना पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रैनी के इसमें आ गया। अब गाइस थोड़ा डार्क वाला पोर्शन लेना है, थोड़ा हल्का सा डार्क रहना चाहिए। ये तो स्काई है, इसको अगर मैं चेहरे पर डालूंगा ऐसा तो क्या आएगा देखते हैं। देखा यहाँ पे विजुअलाइजेशन में भी देखो यहाँ पे किस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। ग्रैनी है तो ग्रैनी के साइड में कुछ ना कुछ तो रहेगा, साइड में थोड़ा इफेक्ट ले लेना है इस तरीके से। रेड स्मोक हल्का सा ऐड कर लेना है इसके आग के साइड में जाना चाहिए, राइट। और ये तो हो गया चलो इसका ब्लैक स्मोक का। ब्लैक स्मोक में ना और भी चीज़ें ऐड आएंगी। ये तो ग्रैनी का है ना फेस किलर है। आप लोग ना नीचे इस तरीके का इफेक्ट भी ले सकते हो ग्रैनी में, ठीक है। तो कोई यहाँ पे लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा ब्लड एलिमेंट्स में, राइट। ब्लड लिखूँगा तो ब्लड में कैसे ये भी आएगा ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में आप लोग ये भी ले सकते हो। इस तरीके का ब्लड आ गया, ठीक है। छिट्टा छिट्टा लग गया ब्लड वलड जो भी है, इसको भी ट्रांसपेरेंसी करके आप लोग ऐड कर सकते हो, राइट। ये आपका यहाँ पर ग्रैनी का ये रेडी हो गया, ठीक है। सॉरी मिसकंसेप्शन के लिए, चलो ठीक है। ये ग्रैनी का इमेज यहाँ पे रेडी हो गया हमारा। अभी पीछे का बैकग्राउंड ऐड करना गाइस, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखना है हॉरर बैकग्राउंड, ऐसे लिखना है हॉरर बैकग्राउंड। आप लोग जैसे ही हॉरर बैकग्राउंड लिखोगे तो यहाँ पर देखो गाइस ये सब हॉरर बैकग्राउंड आ जाएगा इस तरीके से। आप लोग इसको भी ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो दूसरा भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वही मिलेगा आपको। बहुत सारे थंबनेल मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये वाले मिल जाएंगे, इसको ले सकते हो, सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है इसको ले लेना है, सेट इमेजेस बैकग्राउंड रिप्लेस बैकग्राउंड कर देना है। और भी नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सारे आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला भी मिल सकते हैं, इसको ले लेना है, ठीक है। मैं तो अपने लिए लूँगा ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ले लूँगा। और क्या करना है यहाँ पे, ये तो मेरा इमेज रेडी हो गया। अब मेरे को गेमिंग के लिए गाइस अपना इमेज तो ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपना इमेज ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना इमेज ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे अपना इमेज ले लिया। एडिट इमेज करूँगा, बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगा सबसे पहले अच्छे से, और इसको जितना हो सके उसका जूम कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। एडिट इमेज में जाना है, इसमें भी शेडो में जाना है, ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने से क्या होगा, ब्लर अमाउंट बढ़ा देना है और इंटेंसिटी इसका बढ़ा देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक
ठीक है। अब गाइज ये सब इमेज तो हो गया, अब मेरे को यहाँ पे इफेक्ट देना है जो कि मेरे को हॉरर इफेक्ट आएगा। यहाँ पे लिखूँगा रेड बैकग्राउंड, इसमें नहीं एलिमेंट्स में जाके लिखना है रेड बैकग्राउंड, तो ये वाला इमेज आया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा मालूम है, इसको यहाँ पे पूरा ले लूँगा ऊपर से, और इसका ट्रांसपेरेंसी है जो सॉरी ट्रांसफर से कम कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना, मेरा इमेज है ना और यहाँ बर्थडे अम्मा का इमेज, देखो देखो जादू देखना यहाँ पे, बराबर आ गई, ये भी आ गई राइट। अब पीछे यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि ब्लड स्टिक्स दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ग्रानी का इमेज दे सकते हो, यहाँ पे ये ग्रानी आ गई पीछे खड़ी है, इसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये बुढ़ा होगा, इसको भी ऐड कर सकते हो। ये क्या हो गया भाई, नो 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 नो, हाँ अब बुढ़ा होगा, इसको भी ऐड कर सकते हो आप लोग, इसको भी मैंने पीछे ले लिया, पीछे चले जाओ भाई तुम भी। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पे, और बस बाद में आपको अपना थंबनेल का जहाँ पे जो लोगो है वो आपको यहाँ पे लगा देना है राइट। एडिट इमेज में जाना है, ब्रांडेड लोगो, और यहाँ पे शेडो में दे देना है, ग्लो करवाना है, साइज़ बढ़ा देना है थोड़ा, इंटेंसिटी बढ़ा देना है, तो इससे क्या होगा लोगों का थोड़ा इफेक्ट नज़र आएगा अगर आपका एक लोगो रेड है तो। इसके बाद गाइस आपको एरो ले लेना है, जैसे कि ये एक एरो आता है रेड कलर का, मैंने अपना इमेज डाउनलोड किया गूगल से, ये एरो ले लेना है। ठीक है, बस बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, ये आपका थंबनेल यहाँ पे AI वाला जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।